रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खरीद से होंगे, फिट होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ आपके साथ सामने, और बहुत मज़े की वीडियो है पेपाल अकाउंट के रिलेटेड, कि पेपाल अकाउंट आप पाकिस्तान में रहते हुए या बांग्लादेश में रहते हुए किस तरह से बना सकते हैं, और एक्टिव भी होगा यानी कि आप अपनी पेमेंट्स भी निकलवा सकते हैं उसमें से। पेपाल अकाउंट होगा और उसको पेनियर के साथ अटैच करके हम अपनी पेमेंट्स जो हैं उनको विदड्रा भी कर सकते हैं। आज उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें, आप अपडेट रहें साथ साथ चैनल के, और दूसरी वीडियोस भी देखा करें जो चैनल के ऊपर हैं, मेरे ट्रेनिंग्स के रिलेटेड हैं, रियल एस्टेट वर्चुअल असिस्टेंट की जो ट्रेनिंग्स हैं उस पर, और फाइवर अपवर्क सब के रिलेटेड मेरी वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं चैनल के ऊपर। और ये स्पेशल पेपाल के ऊपर है, तरीका मिला है तो मैंने कहा यार सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरह से हम पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में बना सकते हैं और उसको अटैच करके पेनियर के साथ हम पेमेंट्स जो है विड्रा भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, क्योंकि पेनियर के साथ हमारा बैंक अकाउंट भी अटैच होता है और जैज कैश भी अटैच होता है जैसे आप लोग जानते हैं। तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको ज़रा स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ, और वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ आएगी। मैं पहले बता दूँ, अक्सर वीडियोस में भूल जाता हूँ, वीडियो पूरी देखो अगर कोई चीज़ सीखने को समझ नहीं है तो, अगर नहीं समझ नहीं सीखनी तो पूरी ना देखो, भाई मर्ज़ी की बात है। तो ठीक है, ज़रा चलें स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कि पेपाल का अकाउंट हमने किस तरह से क्रिएट करना है पाकिस्तान में बैठे हुए पेमेंट्स विड्रा करने के लिए, लेने के लिए। चलें ज़रा जी, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी यहाँ पर सर्च कर लेंगे गूगल पर जाकर ना, सिंपली पेपाल स्पेस फिलीपाइंस। आपने फिलीपाइंस का जो पेपाल है वो ओपन करना है, इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेपाल फिलीपाइंस, ठीक है ना, फिलीपाइंस का जो है वो वाला ही आपने अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि वही हम जो लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। अब हमने ये वेबसाइट तो खोल ली पेपाल फिलीपाइंस की, ठीक है, paypal.com/ph-business। अब हमने साइनअप के ऑप्शन पर जाना है, तो जब साइनअप के ऑप्शन पर जाएंगे तो अब मेन चीज़ ये है कि ज्वाइन पेपाल टुडे फॉर फ्री, ठीक है, गेट स्टार्टेड बाय चूजिंग एन अकाउंट टाइप। अब हम पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि फिलीपाइंस में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, और पाकिस्तान में जो है पेपाल अभी तक नहीं है जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो हमें बिज़नेस अकाउंट जो है वो सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस अकाउंट हम यहाँ से बैठे हुए कहीं भी बना सकते हैं, उसकी कोई इतनी टेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे बिज़नेस अकाउंट, फिर करेंगे नेक्स्ट। माई प्राइमरी यूज़ ऑफ पेपाल इज़, ठीक है, रिसीव पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सेंड पेमेंट्स टू सप्लायर्स वेंडर्स बोथ ऑफ द अबव, आई एम नॉट श्योर। तो आप इसका क्या करेंगे, रिसीव पेमेंट्स ज़्यादातर हमने रिसीव ही करनी या सेंड भी करनी पड़ सकती है, सो बोथ ऑफ द अबव। आई एम लुकिंग टू एक्सेप्ट पेमेंट्स ऑन माई वेबसाइट वाया ईमेल इन्वाइसिंग और लिंक और मार्केट प्लेस और फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म ebayfreelancer.com एज अ ड्रॉप, आई एम नॉट श्योर नन ऑफ द अबव। तो हम ऑन मार्केट प्लेस और फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली वहीं से आती है, क्योंकि पेपाल हमने यूज़ उसके लिए ज़्यादातर करना है ना। माई एस्टिमेटेड मंथली सेल्स वॉल्यूम इज़, अब ये कितना होगा ये आपने आइडिया बताना है कि कितना हो सकता है, बिटवीन 260 to 4 million फिलीपाइंस अ मंथ। अब इसका आप खुद आइडिया लगा लें कि कितना हो सकता है, तो हम सिंपल रख लेंगे मोर देन 4 million फिलीपाइंस जो है ये हम कर देते हैं, तो आई थिंक बेस्ट रहेगा, या बिटवीन ये कर देते हैं, इतना सही है, या आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि इतना आप रखना चाह रहे हैं उतना आप रख लें, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये क्या होगा ये ज़रा देखते हैं। साइन अप फॉर अ बिजनेस अकाउंट, एंटर योर ईमेल एड्रेस, सो हमने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और ईमेल एड्रेस वही दें जो हर जगह पर आप यूज़ कर रहे हैं, सेम एक ही रखें, इसका काइंडली ख्याल रखिएगा, ठीक है। पासवर्ड आपने सेटअप करना है, तो पासवर्ड जो है पासवर्ड अपना हमेशा अच्छा और जो है आप कहें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, ताकि जो है टेंशन ना बने। बिजनेस कॉन्टैक्ट, लीगल फर्स्ट नेम AZEEM, माई नेम लास्ट नेम UELL, ठीक है। लीगल बिजनेस नेम मस्ट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑन द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डोंट यूज़ अ ट्रेड नेम और अ शॉर्टर वर्जन ऑफ योर बिजनेस नेम। तो बिजनेस डिटेल हम क्या दे सकते हैं, बिजनेस नेम यही दे देते हैं, ये देख के देखते हैं, उम्मीद तो है हो जाएगा, ठीक है। सो फ़ोन नंबर कैसे देना है, पाकिस्तान, ठीक है, 3216622050 जो मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, भी आप लोग सब जानते ही हैं। तो बिज़नेस एड्रेस,
यहाँ आप अभी मेरे ख्याल कुछ ना दें, देखते हैं फिर क्या बनता है। प्राइमरी करेंसी USD, US डॉलर, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू। हाँ, स्ट्रीट नेम और हाउस नंबर, सेल हाउस, ठीक है। सिटी म्यूनसिपलिटी वाला, सॉरी स्पेल गलत हो गया, वाला, ठीक है। अब दे के चेक करते हैं, किसने हमारी सिटी भी मान लेनी है, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ पे पेपाल पे। डिस्क्राइब योर बिजनेस, बिजनेस टाइप, बिजनेस टाइप क्या, इंडिविजुअल, सोल पार्टनरशिप है और सोल कॉरपोरेशन पार्टनरशिप, इसके अलावा प्राइवेट कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन, नॉन प्रॉफिटेबल, गवर्नमेंट एंटिटी, क्या चीज़ है, इंडिविजुअल, और ये हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स, फ्रीलांसिंग सर्विसेज या सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज यहाँ हम लगाएंगे, क्योंकि हम सर्विसेज जारी की बात है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डिजिटल सर्विसेज या इस तरह का कुछ ना कुछ हम जो है वो लगा सकते हैं, आई थिंक, या वर्चुअल असिस्टेंट लिख के देखते हैं क्या बनता है। नहीं आएगा, VA नहीं आ रहा, तो डिजिटल गुड्स, गेम, मीडिया, बुक्स, मूवीज, सर्विसेज, हाँ प्रोफेशनल सर्विसेज, सिंपल, और वेबसाइट आप कोई भी ना लगाएं फिलहाल तो ही बेस्ट है, ठीक है। डे 10/4/1993 कार्ड के हिसाब से, नेशनलिटी पाकिस्तान, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नेशनल ID, ठीक है, नेशनल ID नंबर, ठीक है, होम एड्रेस सेम एज बिजनेस, डन, ठीक है। नेशनल ID वगैरह हमने दे दी उसको, ID कार्ड भी अब दें, नेशनलिटी अपनी पाकिस्तानी बताएंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है इसको, तो सबमिट करने के बाद ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया जी पेपाल का, ठीक है। बिजनेस अकाउंट आपका फिलिपाइंस के ऊपर जो है आपका अकाउंट बन गया है, और इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब अगली चीज़ होती है कि आपने इसके अंदर अकाउंट जो है अपना पे नहीं किस तरह लगा, क्योंकि इसमें पेमेंट तो आ जाएगी, लेकिन आपने उसको उसकी पेमेंट को कैसे निकालना, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। फिलहाल के लिए तो आई थिंक ये काफ़ी है कि आप ये समझ सकें कि वीडियो किस तरह से बनना है पेपाल का अकाउंट जो है हमारा बिज़नेस अकाउंट। और इस बात का खास ख्याल रखना कि इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं करना आप लोगों ने, आप लोगों ने बिज़नेस अकाउंट बनाना है, ठीक है। फिलिपाइंस के पेपाल के ऊपर जाके आपने बिज़नेस अकाउंट बनाना है, जब आप बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे तब आपका जो पेपाल का अकाउंट है वो एक्टिव भी रहेगा, और आप उसमें से पेमेंट्स विड्रा भी कर सकते हैं पेनियर के ज़रिए। मीन्स हम इसमें अटैच करेंगे अपना पेनियर का अकाउंट, और वो अकाउंट अटैच करने के तरीके पे भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा कि हमने वो किस तरह से अटैच करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाए, किस वजह से मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पेनियर के साथ अटैच किस तरह से करना है अपने इस पेपाल को, ताकि हम जो अपनी पेमेंट्स हैं वो किस तरह से ईजिली रिसीव कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।